अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। सुनाओ, आज मैं आपके हेयर मास्क लेके आई हूँ, ठीक है जी। विंटर के लिए इट्स वेरी अमेजिंग, आपके हेयर ग्रोथ के लिए, जो हेयर दो मुँह होंगे ना उसके लिए इट्स वेरी अमेजिंग। जिसके लिए हमें ना ओलोवेरा जेल चाहिए, जो मैंने प्लांट से काट लिए। वेल, हमें फ्रेश ही ओलोवेरा जेल चाहिए, मार्केट वाली नहीं चाहिए। हमें प्लांट की ही चाहिए ओलोवेरा जेल। उसके बाद ये येलो, इसके नीचे जो काट करते हैं तो येलो निकलता है, फिर येलो आपको पूरा निकाल लेना है। उसके बाद साइड कट करनी है एंड बीच में कट करना है, ठीक है जी। उसके बाद ओलोवेरा जेल इस तरह से हम ना, क्योंकि प्लास्टिक के स्पून नहीं होते, उससे ये अच्छी तरह से निकल जाते हैं, ठीक है जी। जैसे अभी मैं निकाल रही हूँ, तो इस तरह से हमें आराम से निकालनी है, पूरे ओलोवेरा जेल निकालनी है, ठीक है जी। एंड गंद की तरह हमको साइड में कर देना है। एंड इस तरह से प्लांट की निकालनी है। मुझे ओलोवेरा जेल नेचुरल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, हमें मार्केट वाली यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं एक अंडा इसमें फोड़ के डाल दूंगी, एक अंडा मेरे हेयर के लिए ऑलमोस्ट बहुत है। उसके बाद मैं सरसों का ऑयल इसमें ऐड करूंगी, ये नेचुरल हमारे पास है, ठीक है जी, सरसों का तेल। वेल, आप इसमें कोई भी ऑयल डाल सकती हो जो आपको पसंद हो, जो आपको ज़्यादा पसंद है, ठीक है जी। एंड ये ज़्यादा तेल डालना, ऑयल ज़्यादा डालना, बिकॉज ये ना हमारे हेयर को बहुत ज़्यादा ना मॉइस्चराइज करता है, ठीक है। उसके बाद ग्राइंडर मशीन में मैंने जूस बना लिया। एंड उसके बाद ये बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाता है ओलोवेरा जेल की वजह से, ठीक है जी। एंड जिसके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, तो वो ना इसमें लीमू ऐड कर दें, लीमू पूरा इसमें निचोड़ के ऐड कर दें। एंड उसके बाद मिक्स कर दें, अपने हेयर को अप्लाई करें, ठीक है जी। एंड पूरी स्कॉल्प पे आप लगाएं, ठीक है जी, पूरी लेंथ पे लगाएं आप अपने बालों पे। उसके बाद आप शॉपर कवर कर दें 3 घंटे के लिए, अपने बालों के में लगा के छोड़ दें, ठीक है जी। एंड उसके बाद वॉश करें अच्छी तरह से, ज़्यादा गर्म पानी से वॉश नहीं करना, नॉर्मल वाटर से आपको वॉश करना है, ठीक है जी। एंड इसके रिजल्ट 1 यूजिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये बाल बहुत ज़्यादा सिल्की करता है, ट्रस्ट में, इससे जो सिल्की बाल होते हैं ना, शायद कोई शैम्पू कंडीशनर से होते हैं, ठीक है जी। इट्स वेरी अमेजिंग, तो यूज़ करना, मुझे लाजिम फीडबैक में आपको बताना है कि इसका आपको रिजल्ट कैसा मिला। तो मैं मिलती रहूँगी आपको ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। जो मेरे वीडियो पे न्यू है, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर भी कर देना अपने प्यारों के साथ। तो मिलती रहूँगी मैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।